हम जिन आदर्शों को लेकर के चले हैं, कुछ लोगों को उन आदर्शों के प्रति ही इतराज है। हमारी मुसीबतें इसलिए नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी मुसीबतें इसलिए है कि देश की जनता हम पर आशीर्वाद बरसा रही है। और इसलिए चुनावी राजनीति में जिन्होंने जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनकी बात अब देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनके लिए बहुत कम शस्त्र बचे हैं और उसमें से एक है भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, बार बार ऐसी बातें घड़ो, हर चीज को एक रूप दे दो, रंग दे दो और अपनी जो इकोसिस्टम है उससे उसको हवा दे दो। ये लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम मान के चले हमें माध्यमों से मदद मिलने की संभावनाएं बहुत कम है और न ही माध्यमों की मदद से ही जीने की हमारी आदत है। हम लोगों का लालन पालन भी जनता के साथ सीधे संवाद से ही बना हुआ है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं वो एक एक भाजपा के कार्यकर्ता का, एक एक सामान्य परिवार के साथ का जो संपर्क है, अटूट नाता है, विश्वास का माहौल है, वही हमारी शक्ति है। और इसलिए उसी शक्ति ने हमें देश में पहली बार बिन कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, देश ने पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अधिक वोट देकर के फिर से बिठाया। ये भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। तब भी जो हमारे सामने थे वो पूरी ताकत से सामने थे, हर डगर पर ये जो टोली है वो कभी हमारे साथ रही नहीं है, फिर आगे साथ रहेगी, आशा में समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है। हमारे लिए और सक्रियता की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और जब बात करते हैं लोगों से तो पता चलता है कि आज भी झूठ उनके कान पर पड़ा होता है, भ्रम उन तक पहुंचा होता है, लेकिन आज भी विश्वास को डिगा नहीं पाए हैं। ये विश्वास के भरोसे मैं देख रहा हूं आजकल देश में प्रतिदिन 10 से 15 इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता वहां जाते हैं, 50,000 लाख कॉमन है, लेकिन आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये खेल चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे। उस विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। नड्डा जी का नेतृत्व हमें नई प्रेरणा देगा, नई ऊर्जा देगा और हम सब कार्यकर्ताओं का काम है कि नड्डा जी यशस्वी हो, नड्डा जी जो चाहे उसे हम पूरा कर करके दें। एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जो भी जिम्मेवारी तय हो उस जिम्मेवारी को पूरे समर्पण भाव से पूर्ण करते हुए
मां भारती के कल्याण के लिए जिन आदर्श और मूल्यों को लेकर के हम निकले हैं उसे हमारे चरित्र का हिस्सा मान करके ही चलना है, बना करके ही चलना है और चल करके जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करना है। मैं फिर एक बार नड्डा जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे संगठन का काम भी कई वर्षों तक किया है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि पार्टी विशेष है। हम कहीं पर भी बैठे हो ये पार्टी के लोग ऐसे ही हमको चलाते हैं, दौड़ाते हैं, हर पल कोई कोई नया कार्यक्रम लेके आते हैं और जो ऊपर बैठे हैं उनको दौड़ना भी पड़ता है। ये एक बहुत यानी एक आनंददायक स्थिति है हमारी पार्टी की और ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ता वो आपके मार्गदर्शन में जरूर देश को कुछ न कुछ नया देंगे। इस विश्वास के साथ अमित भाई के कार्यकाल के लिए अमित भाई को बधाई देते हुए, नड्डा जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए, आप सब कार्यकर्ताओं को एक ही संकल्प लेना है, आओ नड्डा जी के नेतृत्व में चल पड़े। धन्यवाद।